सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर न्यू वीडियो अपडेट्स, आल्सो लाइक कमेंट एंड शेयर। नमस्कार, मैं शारदा, शारदास किचन में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मुरमुरा सुशीला। कर्नाटक में इसे सुशीला बोलते हैं और महाराष्ट्र में इसे सुशीला बोलते हैं। ये ब्रेकफास्ट रेसिपी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। जब भी कोई नाश्ता बनाना हो और बनाने का मन ना हो तो आप इसे झटपट बना लीजिए। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलते हैं रेसिपी की ओर। ये यहाँ पे मैंने मुरमुरा लिया है, 4 बाउल लिया है। बेल के लिए जो हम यूज़ करते हैं वही मुरमुरा लेना है। इसके लिए हमें चाहिए टमाटर, 1 टमाटर लिया मैंने, इसे बारीक कट कर लिया है। 1 बड़ा प्याज, प्याज को भी काट कर लिया है। 1/4 कप मूँगफली लिए मैंने, हरा धनिया, हरी मिर्च 5 ली थी मैंने, इसे काट कर लिया है। इसमें डालते हैं पानी, बस ये डूब जाए इतना ही पानी डाल दीजिए। मुरमुरा को हमें ज़्यादा देर तक भिगो कर नहीं लेना है, बस इसे डूबो कर निकालना है। अच्छी तरह से पानी में डूब जाए, हाथ से डूबो कर लेंगे। इस तरह हाथ से पानी निचोड़ते और छन्नी में डाल देंगे ताकि बचा हुआ पानी भी निकल जाए। गर्म हो चुकी है, इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। इसमें जाएंगे सरसों के दाने 1/2 टेबलस्पून। राई को अच्छी तरह से चटकने दीजिए, 1/2 टेबलस्पून जीरा। प्याज को डाल देंगे, प्याज के बाद तुरंत हमें मूंगफली डाल देना है। मूंगफली कड़क होती है तो उसे भूनने में टाइम लगता है, तो दोनों एक साथ भून जाएंगे अच्छी तरह से। प्याज को हम सुनहरा कलर आने तक भून लेंगे, साथ में मूंगफली भी अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाएगी। अगर आपको आलू पसंद है तो आप इसमें आलू भी डाल दीजिए। मेरे पास कड़ी पत्ते अवेलेबल नहीं है, आप ज़रूर डाल दीजिए, बहुत बढ़िया लगते हैं। 1 मिनट भुनने के बाद हरी मिर्च डाल देंगे। प्याज का और मूंगफली का दोनों का भी कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। टमाटर हल्का सा पक गया है, इसमें ऐड करेंगे बाकी मसाले। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यदि आपको लाल मिर्च पाउडर पसंद है तो आप स्किप कर दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे पोहा की तरह ही बनाया जाता है, इसे आप मुरमुरा पोहा भी कर सकते हो। इसमें हम मुरमुरा डाल देंगे जो हमने भिगो कर लिया है, अच्छे तरह से मिला लेंगे। देखिए बिल्कुल पोहा की तरह लग रहे, कलर भी बढ़िया आ चुका है। स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई मत रखिए, मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। फ्लेम को बंद कर देंगे और ऊपर से नींबू रस डाल देंगे। इस प्रकार आप अच्छी अच्छी रेसिपी बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए और अपने अनुभव में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। क्या खुशबू आ रही है, आप इसे ज़रूर बनाइए। अगर एक बार बनाओगे तो बार बार बनाकर खाने को मन करेगा। गार्निश कर लेंगे थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया, 2 हरी मिर्च और नींबू। तो लीजिए गर्मा गर्म सुशीला तैयार है। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी और बनाने में टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही टेस्टी होती है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।